हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नई वीडियो में। और आज मैं दिखाने वाला हूं आपको जो है ये 2 BHK अपार्टमेंट जो कि लोटस 3C जिंग के अंदर है, जो कि ये प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 168 नोएडा एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी अभी रिसेंटली रेंट के लिए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे के पहले आप हमारे चैनल पर नए हों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम आपको इस तरीके की अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ रूबरू करा सकें। और आपको जो है जिस जिस एरिया में हम काम करते हैं वहाँ पर हम आपको जो है इन्वेंट्री बता सकें। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है गोल्डन पाम सोसाइटी है, जो कि 168 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो अपना टूर। ये अभी जो है मौसम अच्छा है, बारिश हुई है, अभी इवन हो ही रही है, तो उस समय का जो देखें आप क्या अच्छे नज़ारे हैं। ये आपकी सोसाइटी है, मेरी जो बगल में जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, ये निम्बस IITL निम्बस की जो है गोल्डन पाम सोसाइटी है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम चलते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, अभी ये फंसा हुआ प्रोजेक्ट है अभी। तो यहाँ पे रिसेंटली आप इन्वेंट मिल जाती हैं। तो ये हम जो है टावर में एंट्री कर रहे हैं, टावर 16, ये हमारा एंट्री है जो है। ये भैया बहुत स्मार्ट हैं। ठाकुर यहीं पे आपके रहते हैं, हमें ठाकुर के साथ। तो उम्मीद लग रही है इनसे कमीशन हमें 1.5 महीने का मिलने वाला है, क्योंकि बात एक ही है। ना सुनो, पूर्वांचल सिल्वर सिटी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने फ्लोर पे और मैं आपको अभी जो है टावर का फ्लोर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 3 लिफ्ट हैं, जिसमें से 2 रेजिडेंशियल हैं और एक आपकी जो है ये सर्विस लिस्ट है। जो है लेआउट की बात करूँ मैं, तो इधर जो है 2 अपार्टमेंट इधर और एक स्टेयर इधर है आपकी, और इधर भी आपका जो है 2 अपार्टमेंट और स्टेयर इधर है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको जो है अपार्टमेंट के अंदर में। तो ये है आपका अपार्टमेंट 2 BHK, जो कि अभी रिसेंटली रेंट के लिए अवेलेबल है। ये आपका जो है ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस है। और सामने ही आपकी जो है बालकोनी, कम डाइनिंग स्पेस है। और सामने ही आपकी जो है बालकोनी, अब हम चलते हैं अंदर बेडरूम की तरफ। तो हमारे बीच से ही एक बेडरूम ये है, आप देखेंगे इसकी लाइट अभी शायद कोई प्रॉब्लम है। बाकी का बेडरूम काफ़ी बड़े साइज में है, ये जो अच्छे आइडियल बेडरूम है आपका, जो वुडवर्क का काम हो रखा है,
सामने विंडो है, ये एक बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के सामने ही आपकी जो है किचन है, आप देख लें। किचन में आपको कूलर वगैरह काफी अच्छा हो रखा है, और ये जो विंडो है आपकी ईस्ट फेसिंग है, तो आपको यहाँ से जो है धूप या किचन के अंदर जो धूप होनी चाहिए वो व्यवस्था आपको इसमें मिलती है। ये आपका जो है कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर आपको एग्जॉस्ट फैन, आपका गीजर वगैरह की जो है ऑलरेडी व्यवस्था हो रखी है। अब हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। ये है आपका मास्टर बेडरूम, जिसमें घुसते ही राइट में आपका जो है वॉशरूम है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम जिसमें आपका वुडवर्क का काम हो रखा है, और ये है आपका जो है इधर ड्रेसिंग एरिया जैसा बना हुआ है आपका। ये है आपका जो है पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कुछ टावर ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी का इसका जो सोसाइटी का व्यू बहुत अच्छा है आपको। और मैं फ्लोर की बात करूं तो अभी हम 11th फ्लोर पे हैं, आप यहाँ से देखिए इसका व्यू कितना अच्छा है। BHK अपार्टमेंट फॉर रेंट इन लोटस से। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमारे पिन कमेंट में जाके आप उनसे बात कर सकते हैं।